मदरबोर्ड का नो डिस्प्ले सॉल्यूशन सबसे इजी प्रोसेस है कि ऐसे मदरबोर्ड को हम लोग सबसे पहले खोल लेंगे, उसको वॉश करना है, उसको साफ़ा करना है। साफ़ा करने से ही ज़्यादातर मदरबोर्ड डेस्कटॉप का ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बायोस का जो आईसी है इसको भी खोल के हम लोग साफ़ा करेंगे। किसी किसी में फिक्स रहता है, उसको साफ़ा करने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ये बायोस का यहाँ पे लिखा ही रहता है 1-2 नॉर्मल और 2-3 क्लियर CMOS। तो मतलब 1-2 का मतलब है यहाँ पे अगर ये रहेगा, ये नॉर्मल मोड में है और यहाँ पे रहने से क्लियर। तो हम लोग इसको भी खोल लेते हैं। खोलने के बाद इस हम लोग थिनर का यूज़ कर रहे हैं जो पेंट में लगता है, लुक थिनर। तो एक थिनर से ब्रश में लेके पहले सबसे पहले हम ऐसे रैम का जो स्लॉट है इसको थोड़ा साफ़ा करेंगे। घिस घिस के साफ़ा करना है, इसमें जंग लग जाता है कभी कभी, तो इसीलिए रैम का पावर नहीं आता है, इसीलिए डिस्प्ले भी कभी कभी नहीं आता है। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे आसपास में जितना हो सके थिनर से ये बोर्ड को साफ़ा करेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग प्रोसेसर का पिन को और प्रोसेसर को थोड़ा साफ़ा करेंगे। यहाँ से हम लोग यहाँ से डायरेक्ट डाल भी सकते हैं थिनर, कोई बात नहीं है, 2 सेकंड में ये सूख जाता है। हालांकि अभी 2 सेकंड से ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा डाल दिया, इसीलिए थिनर डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट नहीं होता है। लेकिन पेट्रोल का यूज़ मत कीजिएगा आप लोग, केरासिन का भी यूज़ मत कीजिएगा। केरासिन और पेट्रोल यूज़ करने से शॉर्ट होने का खतरा रहता है। तो ये देखिए, हर तरह जहाँ पर भी थोड़ा धूल मिट्टी है पहले ब्रश से हम लोग इसको साफ़ा कर लेते हैं। तो साफ़ा कर लेंगे। साफ़ा करने के बाद में यहाँ पे ये जो है बायोस का चिप, इसको भी अच्छी तरह से हम लोग साफ़ा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बायोस का जो चिप है उसको भी थोड़ा ब्रश मार के साफ़ा कर लेते हैं। कभी कभी यहाँ पर भी जंग लग जाता है, तो इसीलिए डिस्प्ले नहीं आता है। तो अंत में हम लोग क्या करेंगे, और एक बात ध्यान रखिए कि बैटरी भी खोल लीजिएगा साफ़ा करते समय, शॉर्ट होने का खतरा रहता है कभी कभी। तो ये है प्रोसेसर, इसका प्रोसेसर खोल लेंगे। और प्रोसेसर का जो पिन है, ये पिन को भी बहुत ही सावधानी से ऐसे थिनर से साफ़ा करेंगे। देखिए, ये प्रोसेसर का पिन है, ये मैं बहुत ही सावधानी से साफा कर, ध्यान रखें कि कोई भी पिन टूट ना जाए या टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और ऐसे ही ये देखिए हो गया है, साफ़ा हो गया है। साफ़ा होने के बाद आप लोगों का पास अगर SMG है तो एकदम लो हीट रख के थोड़ा हवा से इसको साफ़ा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 1-2 मिनट रखने से बोर्ड सूख ही जाता है, ऑटोमेटिकली सूख ही जाता है। देखिए उसके बाद में है ये, देखिए ये प्रोसेसर, प्रोसेसर को भी हम लोग थोड़ा सा ऐसा साफ़ा करके चमका देंगे। ये देखिए चमक रहा है, और इसको थोड़ा अच्छा कपड़ा से या टिश्यू पेपर से पोंछ देने से भी होता है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये पूरा साफ़ हो गया है। इसके बाद हम लोग फिटिंग करके देखेंगे ये बोर्ड ऑन हो जाता है कि नहीं, ज़्यादातर तो ऑन ही हो जाता है। ये देखिए, ये जो बायोस का है, पहले तो हम लोग रीसेट करेंगे। रीसेट करने के लिए 2-3 लिखा ही रहता है, 2-3 में हम एक बार डालेंगे, उसके बाद में फिर से 1-2 मतलब ये नॉर्मल मोड में डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसर हम लोग लगाएँगे। प्रोसेसर को देखिए ऐसे लगा देते हैं, जैसे खोले थे वैसे ही लगाएंगे। IC भी हम लोग अभी लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग का साफ़ा करने के बाद ये डिस्प्ले आ चुका है। अभी इसके साथ ये हम लोग कनेक्ट कर दिया हूँ, SMPS भी यही है।